मॉर्निंग स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने आपको समझाया था चैप्टर नंबर 5 धरती को महकाएं। धरती को महकाएं से तात्पर्य है कि इस जो हमारी धरती है इसे हम सुवासित करें। महकाना का मतलब है सुगंधित करना, सुवासित करना। तो हम कैसे महकाएंगे? फूल लगाकर, इत्र छींट कर, उससे तात्पर्य नहीं है कि हमने इत्र छींटा, हमने खुशबू फैलाए, फूल लगाए, फुहारे लगाए मित्रों के, वो मतलब नहीं है। अगर बत्तियाँ जलाई वो सब मतलब नहीं है कि सेंटेड किया हमने धरती को। कितना धरती तो बहुत बड़ी है, कैसे सुवासित करेंगे? इसका तात्पर्य है कि हम अच्छे काम करें, अच्छे गुणों को हम बाहर लाएं। जो हमारे अंदर निहित है गुण, बहुत सारे सभी व्यक्तियों में गुण और अवगुण होते हैं। तो अवगुण को जो है दबाना है और जो गुण है हमारे में उसे उजागर करना है, उसे बाहर लाना है, प्रदर्शित करना है। हमें समाज के काम में उसे लगाना है। हमें हमसे दूसरे व्यक्ति हमें जाने, तीसरे जाने, इससे ख्याति फैले, दूर दूर तक धरती में ख्यातियाँ फैलेंगी, अच्छे अच्छे काम होंगे तो इससे हमारा धरती महक उठेगा। अरे धरती के पार्ट बने हैं ना, जैसे प्रदेश बने हैं, आपके राज्य बने हैं, तो यहाँ से किस राज्य से, कैसे आप कभी सुनते हो कि अरे गुजरात से वो व्यक्ति निकला, अभी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं तो गुजरात से हैं वो, तो ये गुजरात की मिट्टी को सुवासित किया उन्होंने और प्रधानमंत्री बनकर अपने भारत की जो धरती है उसे सुवासित कर रहे हैं। समझ में आएगा? जैसे वो अपने गुणों से, उनका गुण जो है वो नाम कमा रहा है, सभी लोग उसे सुनने जान रहे हैं, उस व्यक्ति को, पर्टिकुलर व्यक्ति को, उनका उनके गुण से जो है ये धरती हरियाली हो रही है, इस धरती में अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, अच्छी अच्छी जो है हमें टेक्नोलॉजी प्राप्त हो रही है, असुविधाएँ कम हो रही हैं, हमारी सुविधा और सुविधाओं का ख्याल रखा जा रहा है। तो ये इसे हम लोग बोलते हैं सुवासित करना। जो ज्ञान हमें है वो ज्ञान दूसरों तक पहुंचाना, उसे उजागर करना और अपने गुणों से दूसरों की भलाई करना, इस धरती पर के अन्य लोगों के काम आना, इसे जो है महकाना कहते हैं। अंडरस्टूड? तो ये नहीं कि हमने इत्र लगा लिया, हमने अगरबत्तियाँ जला ली, हमने सुगंधित फूल ले आए के माला पहन लिया सुबह से, तो वो महकाना नहीं। यहाँ पे अपने गुणों से महकाना, आप में जो गुण है उसे आप बाहर लाइए। गुण निहित होते हैं, हर व्यक्ति में गुण होते हैं, अवगुण भी होते हैं साथ साथ, पर आप अवगुण को थोड़ा इग्नोर करो, उसे दबाओ और जो गुण है उसको सबके सामने रखो, उसे और दूसरों तक पहुँचाओ। और दूसरों के गुणों को भी थोड़ा सा नज़रअंदाज करना चाहिए और उनके गुणों को भी प्रोत्साहित करके उसे भी बाहर निकालने की कोशिश करनी चाहिए। अंडरस्टूड? इसी को बोलते हैं धरती को महकाना। इससे हमारा धरती महक उठेगा, हमारा नाम देश विदेश में होने लगेगा, है ना, सभी लोग जानने लगेंगे, दिस इज कॉल्ड महकाना। तो यहाँ पे इसकी प्रकृति की बात है, हाँ, कैसे उदाहरण, कैसे हम लोग इंस्पायर होते हैं किसी चीज़ से, किसी व्यक्ति से हम लोग इंस्पायर होते हैं कि देखो वो कितना गरीब था, कितना आगे बढ़ गया, कैसे कठिन परिश्रम उसने किए। तो यहाँ पे वैसे ही प्रकृति के द्वारा हमें बताया जा रहा है। जैसे प्रकृति में है सूरज है, फूल है, पानी है, सब है, बारिश होती है, तो सूरज कभी अपना जो है सूर्योदय उदय तो होना कभी छोड़ते हैं? नहीं छोड़ते हैं। आखिर उगने में, उदित होने में और अस्त होने में उन्हें भी तो मेहनत लगती होगी, वो भी तो चक्र जो धरती चल रही है, धरती भी तो थक जाती है। तो कहा कि नहीं, सूरज को कभी हम उदित होना नहीं भूलते हैं, सूरज तो उदित होते हैं, बट अब क्यों छोड़ दें? अब जो काम कर रहे हैं उससे थकना नहीं है आपको, आपको निराश नहीं होना है, आपको आगे निरंतर बढ़ते जाना है। इंस्पायर होइए सूरज से, इंस्पायर होइए फूल से, जो बगिया में रोज खिलते हैं, सूरज जो प्रकाशित करते हैं हमें, हमें एनर्जी प्रदान करते हैं। सवेरा होता है, सवेरा होना कभी भूलता है? हमेशा अंधेरा ही रहता है? नहीं, भले बादल है, बदली छाई हुई है तो आपको
रोशनी कम मिलती है, लेकिन सूर्य उदित होना नहीं भूलते हैं। हाँ, तो इसी तरह आपको भी निरंतर अपने कार्य में लगे रहना है, आगे बढ़ते रहना है, अथक प्रयास करते रहना है। जिस लक्ष्य की ओर आप बन रहे हो, उस लक्ष्य को आप एक दिन जरूर प्राप्त करोगे। तो आपको निराश नहीं होना है, बिल्कुल आगे बढ़ते रहना है। यहाँ देखो ऐसी ही बातें लिखी हुई है, मैंने लास्ट क्लास में वर्ड मीनिंग भी लिखवाए थे ब्लैक बोर्ड पे, आपने आई होप कि आप सभी ने लिखा होगा। बगिया के फूलों को देखो, बाग में जो फूल खिले होते हैं रंग बिरंगे, उनको आप देखिए, कुछ सीखिए उनसे। ऐसा कवि कह रहे हैं, कैसे खुश खुश रहते हैं। बगिया में जो फूल हैं वो तो लहलहाते रहते हैं, वो तो खिले रहते हैं, खुश रहते हैं। जब व्यक्ति को लोग बोलते हैं ना कि आप फूलों की तरह खिले रहो, आप हमेशा खिले खिले दिखते हो, यानी कि फूल जो खिल जाता है तो कितना सुंदर दिखता है। वहीं से लिया गया है, वहीं से उपमा ली गई है। हमारे चेहरे को बोलते हैं कि खिला खिला चेहरा है, यानी हमेशा प्रसन्न चित्त, जिनका फेस हमेशा प्रसन्न चित्त दिखता है उन्हें लोग बोलते हैं कि खिला खिला चेहरा दिख रहा है। और जब मायूस होते हैं, दुखी होते हैं, कुछ दर्द से बड़े रहते हैं, तो उनका वो थोड़ा सा मुस्कान कम रहती है उनके चेहरे पे, तो लोग बोलते हैं कि क्यों उतरा हुआ चेहरा है, आज चेहरा क्यों खिला हुआ नहीं है। अंडरस्टूड? तो ऐसे ही फूल, जब फूल भी मुरझा जाता है ना, आप देखते हो कभी फूल को तोड़ के रखोगे तो वो मुरझा जाते हैं, तो ऐसे बंद हो जाती है उनकी पंखुड़ियाँ, वो एकदम से सूखे अजीब से लगते हैं, अच्छे नहीं दिखते हैं। और जब खिले खिले ताजे फूल आप देखते हो तो आपका मन आह्लादित होता है उसे देख कर। किसी को मुस्कुराता हुआ आप देखते हो तो आपको भी मुस्कुराहट आती है, आपको भी अच्छा लगता है उसे देख कर। और कोई रो रहा है तो अच्छा नहीं लगता है, उसको चुप कराने हंसाने में लग जाते हैं, है ना, होता है ना ऐसा। दैट इज इट क्लियर, कि बगिया के फूलों को देखो कैसे खुश खुश रहते हैं। बाग में जो फूल खिल रहे हैं वो तो खुश रहते हैं, उन्हें कोई चिंता नहीं है कि कौन देख रहा है नहीं देख रहा है, मैं मुझे धूप सता रही है, मुझे बारिश हो रही है, क्या हो रहा है, मुझे कौन कब तोड़ के ले जाएंगे, जिंदगी का भी भरोसा नहीं रहता कि कब मैं डाली से तोड़ लिया जाऊंगा, और मुझे ये मैं कहाँ मेरा स्थान होगा, ये मैं भगवान के सर पे मेरा स्थान तोड़ के ले जाके रखेंगे या किसी के चिता में मुझे रखेंगे, या फिर मुझे मसल दिया जाएगा, या फिर मुझे गले का हार बनाया जाएगा, है ना। तो उन्हें ये भी नहीं पता है कि उनकी क्या स्थिति होने वाली है, पर वो चिंता नहीं करते हैं ना, वो भविष्य की चिंता करते हैं और ना वो किसी बात से दुखी होते, वो हमेशा खिले खिले रहते हैं। तो बगिया के फूलों को देखो कैसे खुश खुश रहते हैं, कितने खुश हो जाते हैं, वैसे ही तुम ही रहा करो। आम जीवन के लिए बात सिखाई जा रही है, आंधी को पानी को चाहे, या आंधी आ जाए, तेज हवा के झोंके आ जाए, या फिर बारिश होने लगे, फिर भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका काम खिलना है, पेड़ में लगे हुए खिले हुए वो देख पाए जाते हैं, है ना, देखते हो ना। तो सबको हंस हंस सहते हैं, अब खिले हुए हैं, धूप है, अचानक से बारिश हो गई, उसको भी वो हंसते हुए सहते, वो खिले हुए हंस सह रहे हैं, धूप कड़ी हो गई वो भी खिले हुए सह रहे हैं। सूरज की किरणों को देखो, रोज धरा पर आती हैं, सूर्य की किरण है, क्या वो बीच में ही रह जाती है कि नहीं मैं आज धरा तक नहीं जाऊंगी, वो तो हर रोज धरा पे आती है ना। तो आपको भी बारिश हो गई, कड़ी धूप हो गई, तो आपको स्कूल आना नहीं छोड़ना है, आपको कहीं किसी काम में जाना है निरंतर, तो नहीं छोड़ना है, बीच रास्ते से लौट नहीं जाना, मैं थक गया, मेरे पाँव में दर्द है, तो आपको अथक प्रयास करना है, अपनी ड्यूटी करनी है। जैसे कि सूर्य की किरण हर रोज आती है धरती पे, हर रोज कोने कोने को प्रकाशित करती है, तो उसी प्रकार अंधकार को दूर भगा कर सारा जग चकमकाती है, चमकाती है मतलब वो सूर्य की किरण जब एक छोटी सी पतली सी किरण भी आती है, अगर सारा कमरा बंद है और एक छोटा सा उसमें छेद आप कर दो तो देखो कि सूर्य की प्रकाश वहाँ से प्रवेश कर जाती है और आपको जगमगा देती है, उस जगह को चमका देती है, जब रोशनी हो जाती है और आपको आनंद का अनुभव होता है ना। तो इसी तरह ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हमसे दूसरे लोग प्रसन्न हों,
और बहुत बड़ा उदाहरण है। दीपक को देखो कैसे यह हरदम जलता रहता है। दीपक को जब हम जलाते हैं उसमें एक घी डालते हैं, बत्ती डालते हैं रुई का, और रुई जो है वो बत्ती बाती हमेशा जलती रहती है और दीपक प्रकाशित करता रहता है। हम तो बोल रहे हैं कि दीपक जल रहा है, उसकी रोशनी हमें बाहरी आवरण जो है प्रकाश दिख रहा है, पर वो जल क्या रहा है? उसके अंदर जो मैंने हमने लंबी सी पत्ती डाली हुई है रुई की, वो तो निरंतर छोटी हो रही है, वो जल रही है, वो अपने आप को कम कर रही है, उसकी आयु छीन हो रही है। बट जितने देर वो जलती है, जितनी देर तक उसकी आयु है, वो हम सबको प्रकाशित करती है, दूसरे को आह्लादित करती है, दूसरे लोग उसके द्वारा अनेकों काम कर लेते हैं। अगर रोशनी अंधेरा है, दीपक जला दो आप तो आप कई तरह के काम कर सकते हो। आपको भूख नहीं मिल रही है, भूख मिल जाएगी। आपको भूख पड़ना है, पढ़ लोगे। खाना बनाना है, बना लोगे। कहीं जाना है तो दीपक के सहारे चले जाओगे। तो ऐसे वो अपने आप को जला कर अपनी उसकी आयु भले छीन हो रही है, अपने अंदर मन को जला कर अपने को कष्ट सहकर और दूसरों को खुशियाँ दे रही है। तो ऐसे ही जीवन में भले ही आपको कष्ट सहना पड़े, पर आपसे अगर किसी की भलाई हो रही है, अगर किसी का अच्छा हो रहा है, तो जरूर करना चाहिए। यहाँ हमें दीपक से सीख लेनी चाहिए और दीपक से हमें समझना चाहिए कि वो भी तो बेचारा जल रहा है। उसके अंदर जो दीपक है वैसे ही हमारे अंतर मन है। हमारे अंतर मन में कुछ कमियाँ होती हैं, कभी सर दर्द कर रहा है, कभी पैर दर्द कर रहा है, बट हमें अच्छा प्रयास करते रहना चाहिए, निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। जहाँ हमें जाना है, जिस लक्ष्य की ओर बढ़ना है, वो हमारी वो कामयाबी जरूर एक दिन कदम चूमती है। कामयाबी कदम चूमती है का मतलब जिस रोज जो लक्ष्य आप पाना चाहते हो, जिस पद पे आप पार जाना चाहते हो, वहाँ तक आप अवश्य पहुँचोगे। और आपके द्वारा दूसरों की भलाई हुई वो आपको याद करते रहेंगे। तो दीपक से हमें ये सीख लेनी चाहिए। अपना अंतर जला जला कर रोशन जग को करता है दीपक, अपने अंदर आत्मा को जलाता रहता है और सारे जग को प्रकाशित करता रहता है। लोग बहुत अपने सारे काम निपटा लेते हैं। आओ हम भी हिंसा बनकर जग में अपना नाम कमाए। हिंसा बनकर, अब आप सोचोगे कि हम तो इंसान ही हैं, मैं पर नहीं। देखो हमें भगवान ने मनुष्य में जन्म दे दिया, पर इंसान सही अर्थ में वही बनता है जो दूसरों के काम आ सके। जैसे कि आप कभी किसी को कष्ट में देखते हो, किसी का अचानक एक्सीडेंट देख लेते हो रोड में, तो देखोगे कि बहुत सारे लोग अभी मिल जाएंगे आपको जो उनके मोबाइल में फोटो ले रहे हैं, वीडियो ले रहे हैं, हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, फोन पे दूसरों को बता रहे हैं कि अरे नहीं यहाँ पर तो एक्सीडेंट हो गया है, यहाँ पर तो रोड जाम है। बट उसमें से गिने चुने लोग ही होते हैं, बहुत कम इक्के दुक्के लोग ही होते हैं जो उस व्यक्ति तक जाकर उसका उनका उपचार करते हैं और उन्हें अस्पताल तक पहुंचाते हैं, उनके रिलेटिव को खबर करते हैं। तो ये विशेष इंसानियत, ये जो है, ये व्यवहार जो है, ये बर्ताव जो है, ये इंसानियत कहलाता है कि आप किसी के काम आए, उस व्यक्ति के काम आए। जो व्यक्ति घायल है, आप फोटो उतार रहे हो, हंस रहे हो, मजे ले रहे हो, तो ये इंसानियत नहीं है। आप इंसान कहलाने लायक नहीं हो, आप एक पत्थर के समान हो। पत्थर भी तो है रोड पे, पेड़ भी तो है रोड पे जो देख रहे हैं बट कुछ कर नहीं सकते हैं। जानवर भी तो है पर जानवर आपको अस्पताल नहीं पहुंचा सकता है। एक सही मायने में जो इंसान है, जिसके अंदर सहृदय है, जिसके अंदर कुछ अनुभूति है, जिसके अंदर वो पीड़ित है कि उनके दुखों को अनुभव कर सकता है, वही सही मायने में इंसान कहलाता है। और वही यहाँ लिखा है कि आओ हम भी इंसान बनकर, ऐसे इंसान हमें बनना है। मनुष्य होना ही मात्र इंसान नहीं है। तो जग में अपना नाम कमाए, जब आप ऐसे अच्छे अच्छे काम करोगे तो सारे संसार में आपका नाम होगा। लोग आपको जानेंगे कि यह व्यक्ति कितना अच्छा है और कितनी भलाई का काम किया, उसका जीवन उससे बच
दूसरे व्यक्ति का जीवन जो है बच सका। सच्चे अच्छे काम करें और सारी धरती को महकाएं। अच्छे अच्छे काम हम करें और जिससे कि दूसरों का भलाई हो, अपना भी भलाई हो, चलो और सारी धरती इससे महक उठेगी, मतलब सारी ओर आपका नाम फैल उठेगा। यही महकाना अर्थ जो है यहाँ सारे जग को महका ही आया, नाम फैलाना। आपने अपना नाम कमाया, सभी लोग आपको जान गए, आपने अच्छे अच्छे कार्य किए, जब में आपका पूरे संसार में नाम फैल गया। तो जैसे जो अभी बड़े लोग होते हैं जिन्होंने किसी चीज़ का आविष्कार किया, जिन्होंने कोई खास चीज़ बना दी, तो उनका नाम लोग सालों साल सदियों तक जानते हैं ना, बड़े बूढ़े बच्चे और बुक में भी पढ़ाई जाती है। तो ऐसे हमें बनना है, हमें अपनी धरती को महकाना है, हमें अच्छे अच्छे काम करने हैं। और सीख कहाँ से लेनी है? सीख हमें सूरज की किरणों से लेनी है, सूर्य जो रोज उदित होते हैं उनसे लेनी है, दीपक से लेनी है और फूलों से भी सीख लेनी है कि फूल को भी आंधी और बारिश से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मुस्कुराना नहीं छोड़ती हैं, यानी वो खिलना नहीं छोड़ती हैं, वो निरंतर अपना जो उनका काम है खिलना वो लगी रहती हैं, भविष्य की भी चिंता नहीं करती हैं कि कब मुझे तोड़ लिए जाएंगे, कब मुझे ये भगवान के सर पे चढ़ाए जाएंगे कि मुझे किसी की चिता पे डाले जाएंगे, अथवा मुझे माला पहनाकर गले में डाला जाएगा या फिर हमें कुचल दिया जाएगा। तो अपने भविष्य की चिंता वर्तमान में जीने की सीख इससे मिलती है और हमें निरंतर अच्छे अच्छे काम करने की सीख मिलती है, भले हमें कुछ कष्ट का सामना करना पड़े, पर अगर हम दूसरों के काम आ सकें तो ये बहुत बड़ी बात है। जग में आप नाम कमाओगे इसके द्वारा, और निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। ये हमें सूरज से सीख मिली कि सूरज कभी भी थकते नहीं है, डूबते नहीं है, वो निरंतर उदित होते ही हैं, हर रोज उदित होते हैं। भले किसी दिन बदली के कारण आपको दिखाई नहीं देते हैं, पर उनका उदित होना नहीं रुकता है, वो बदली सामने आ जाती है बारिश की वजह से, हवा की वजह से, वाष्प वायुमंडल के दबाव के कारण, इसीलिए थोड़ी रोशनी उनकी कम हो जाती है। अंडरस्टूड? तो यही है इसका धरती को महकाना है, समझ गए इस बात को। आगे हम लोग देखेंगे इसमें क्या दिया है इसका क्वेश्चन आंसर, नहीं कुछ दिक्कत है, आई होप कि आप लोग को क्लियर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और लास्ट डे हमने इसके सारे वर्ड भी आप लोगों को लिखवाए थे, पर्यायवाची लिखवाए थे, इफ यू रिमेम्बर लास्ट वीडियो आप लोग ध्यान से देखना। जैसे बगिया, बगिया मतलब बाग, उद्यान, फूल, फूल को पुष्प, सुमन, खुश, प्रसन्न, आह्लाद, thank you.
कौन सा है? ये जो हमने लिखा आज, ये आपको अर्थ अगर पूछे तो अर्थ शब्दार्थ में भी आप लिख सकते हो, एक एक लिख सकते हो शब्दार्थ में, और पर्यायवाची के लिए हमने यहाँ पे दो दो लिख दिया है। ये भी क्वेश्चन एक बन सकता है कि निम्न वर्ण शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए, तो आपको ये दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए या एक ही शब्द पर्यायवाची शब्द लिखिए, तो एटलीस्ट दो तो याद करने ही चाहिए। और फिर क्या आता है कि वाक्य में प्रयोग कीजिए, दीपक हमें रोशनी देती है, दीपक हमें रोशनी प्रदान करता है, बगिया बगिया में बहुत सारे फूल खिले हैं, फूल फूल का भी हो गया, फूल बहुत सारे यहाँ पे फूल खिले हैं, खुश हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, धरा धरा पे बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं, अंधकार सूर्य अंधकार को मिटा देता है, जल जल में हमेशा नाम कमाना चाहिए, इंसान हिंसा बनने की सही मायने में हिंसा बनने की चेष्टा करनी चाहिए, महकाना हमें अपनी धरती को महकाने का भरसक प्रयत्न करना है, हरदम हरदम हमें सच्ची बातें और मीठी बातें ही बोलनी चाहिए। इन्हीं सेंटेंस ये जरूरी नहीं है कि हमने जो बोला या मैं जो लिखती हूँ बोर्ड पे वही आपको लिखना है, आप अपना सेंटेंस भी बना सकते हो, बट ओनली क्या आपको ध्यान रखना है कि शुद्धता का ध्यान रखना है, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो और वाक्य जो है सही हो, वाक्य में गलती नहीं हो, ठीक है। तो ये इस तरह से ये चैप्टर आपका अब यहाँ तक समझाने का कंप्लीट हुआ, अब आगे अभ्यास है, अभ्यास जब मैं स्टार्ट करूंगी नेक्स्ट वीडियो में तो मैं वो वाक्य का मैं लिखवा दूंगी, एक या दो दो वाक्य लिखवा दूंगी, फिर आप लोग अपनी तरफ से अपने को करना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक स्वस्थ रहिए, घर पे रहिए, पढ़ाई कीजिए।